दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोलॉजी में क्या होता है ऐसे बताने वाला हूँ। और फार्माकोलॉजी में फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक और ड्रग के सोर्सेस क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्केच बुक की तरफ जाते हैं, अच्छे से सुनिए। चलिए चलिए दोस्तों, फार्माकोलॉजी क्या है ये फुल डिटेल में जानते हैं। फार्माकोलॉजी वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और ग्रीक वर्ड कौन कौन से है, तो ये दोनों जो वर्ड दिख रहे हैं आपको, ये फार्माकोन और लॉगस, ये जो वर्ड है इससे फार्माकोलॉजी तैयार हुआ है। तो फार्माकोन मीन्स ड्रग और मेडिसिन, और लॉगस मीन्स स्टडी, मतलब ड्रग की स्टडी करना है, इसे कहते हैं फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो दो पार्ट्स कौन कौन से, ये देखते हैं, फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक, ये दो टाइप है इसके, इसको डिवाइड करा दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि फार्माकोडायनेमिक क्या है। फार्माकोडायनेमिक इधर लिखा है कि फार्माकोडायनेमिक मतलब पावर, मतलब व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, इसका मतलब क्या है कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, इसे कहते हैं फार्माकोडायनेमिक। तो क्या क्या करती है, फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल इफेक्ट को चेंज करती है, और मेटाबॉलिज्म एक्शन शो करती है, इसे कहते हैं फार्माकोडायनेमिक। तो फिर से, ड्रग डज टू द बॉडी मतलब ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, इसे कहते हैं फार्माकोडायनेमिक। समझे दोस्तों। तो चलते हैं सेकंड, फार्माकोकाइनेटिक। काइनेसिस मीन्स मूवमेंट, मतलब ड्रग लेने के बाद मूवमेंट होती है। तो कैसे क्या मूवमेंट होती है ये इसमें बताया गया है। तो फार्माकोकाइनेटिक मतलब बॉडी डज टू ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है इसमें बताया गया है। तो क्या क्या करती है, मतलब मूवमेंट करती है, मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी बाय फॉलोइंग प्रोसेस। तो ये चार प्रोसेस दिए गए हैं, तो इधर चार प्रोसेस दिए गए, तो ये चार प्रोसेस हैं। तो कौन कौन सी प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड इलिमिनेशन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ड्रग लेने के बाद एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ड्रग लेने के बाद ड्रग एक जगह तो नहीं रहेगी, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा कि जो आपको जो डिसीज़ हुआ है उसको क्योर करने के लिए ड्रग को रिसेप्टर बाइंड हो गए और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मेटाबॉलिज्म मतलब इसको स्मॉल पीसेस में कट करा दिया जाएगा, इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म स्पेशली लीवर में ज़्यादातर इस कैसे होता है, तो इसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, मैं आगे चलकर बताऊंगा आपको। और इलिमिनेशन मतलब ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद और मेटाबॉलिज्म होने के बाद इलिमिनेट होती है। तो इलिमिनेट बहुत सारी जगह से होती है, यूरिन, स्वेट, ऐसी जगह से इलिमिनेशन होती है। इसके आगे ड्रग आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, आप फार्मेसी में हो और आप ड्रग का स्टडी कर रहे हैं, तो आपको ड्रग की डेफिनेशन तो पता होना चाहिए। तो ड्रग की डेफिनेशन क्या है देखते, इट इज़ अ सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटीज प्रेजेंट इन मेडिसिन डैट इज यूज फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंटेशन, ट्रीटमेंट, क्योर द डिसीज। मतलब जो ड्रग है वो सिंगल केमिकल सब्सटेंस है, वो मेडिसिन में प्रेजेंट होता है, वो क्या क्या करता है, डायग्नोसिस, डिसीज को डायग्नोस करता है, प्रिवेंट करता है और ट्रीट और क्योर, डिसीज को क्योर करता है, इसे कहते हैं ड्रग। ड्रग के नॉमेनक्लेचर भी है, ड्रग के तीन पार्ट में नॉमेनक्लेचर दिए गए हैं। तो फर्स्ट है केमिकल नेम। केमिकल नेम आपको तो पता ही होगा कि मेडिसिन लेने के बाद ऊपर केमिकल नेम लिखा होता है और ब्रांड नेम लिखा होता है और जेनेरिक नेम लिखा होता है, यही है वो। तो ये केमिकल नेम हुआ। नॉन प्रोप्रिएटरी नेम मतलब जो जेनेरिक नेम होता है, जो रजिस्टर नहीं होता पर जेनेरिक होता है, इसे नॉन प्रोप्रिएटरी नेम कहते हैं। और तीसरा प्रोप्रिएटरी नेम मतलब जो अलग अलग कंट्री में सेम कंटेंट होता है पर डिफरेंस ब्रांड नेम होता है। सेम कंटेंट होता है ड्रग, समझा कोई भी एक ड्रग ले लो उसका कंटेंट सेम है, समझा पैरासीटामोल ले लिया,
तो पैरासीटामोल कंटेंट सेम है पर ड्रग का ब्रांड नेम है वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो ये हुआ ड्रग। और अब चलते हैं सोर्सेस ऑफ ड्रग, ड्रग के क्या क्या सोर्सेस है। ड्रग के चार सोर्स में डिवाइड किया गया है, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल अर्थ सोर्स। मिनरल कोई अर्थ सोर्स कर से कैसे क्या कि मिनरल हमको अर्थ से मिलता है इसे अर्थ सोर्स कर से, और माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स। तो चलते हैं प्लांट सोर्स की तरफ। तो प्लांट सोर्स में, प्लांट सोर्स एंशियंट टाइम में चल रहा है कि प्लांट सोर्स में एंशियंट टाइम से चल रहा है कि हमको प्लांट से बहुत सारी ड्रग्स मिलती है, हमें यूज होती है मेडिसिन के लिए। तो एक दो ड्रग दिए इधर, तो देखिए टोबैको, टोबैको एक प्लांट का नेम है, इससे हमें निकोटीन ए ड्रग ऑप्टेन होता है। और किससे, टोबैको का जो लीव्स होता है उससे हमें ये निकोटीन मिलता है। और निकोटीन क्या इफेक्ट देता है बॉडी पर, पैरासिम्फेटोमाइमेटिक इफेक्ट, मतलब जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसको स्टिमुलेंट करने के लिए ये निकोटीन काम आता है। और दूसरा सेन्ना पॉड्स, ये प्लांट का नेम है, ये साइंटिफिक नेम है। तो इससे हमें एंथ्रासिन नाम का ड्रग ऑप्टेन होता है। और ये जो सेन्ना पॉड प्लांट है उससे जो फ्रूट से हमें एंथ्रासिन ये ड्रग मिलता है। और एंथ्रासिन क्या करता है, पर्गेटिव्स, पर्गेटिव्स को इसे यूज किया जाता है। ये दो ड्रग हो चुके। अब तीसरा नक्स होमिका, ये प्लांट का नाम है, और इससे हमें स्टाइचिनिन, स्टाइचिनिन ड्रग ऑप्टेन होता है। तो नक्स होमिका के पार्ट से मिलता है हमें, तो कौन से पार्ट से, सीड, सीड होता है उससे हमें ये मिलता है। तो ये क्या करता है स्टाइचिनिन, CNS स्टिमुलेंट, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। ये हुआ प्लांट सोर्स। तो चलिए दोस्तों सेकंड पॉइंट एनिमल। तो बहुत सारे एनिमल भी यूज़ होते हैं, और एनिमल के जो पार्ट होते हैं, जो सिस्टम होती है वो यूज़ होती है, जैसे कि पैनक्रियाज, सीप थायराइड्स, कॉड लीवर और ब्लड। ये जो है यो, ये कम दिए है, ज़्यादा भी होए पर ये कम दिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं पैनक्रियाज। तो हमें एनिमल के जो पैनक्रियाज होते हैं उससे हमें इंसुलिन मिलता है। तो इंसुलिन मिलने के बाद हमें ये कहाँ यूज़ होता है, तो ये डायबिटिक्स पेशेंट होते हैं उसको इंसुलिन की ज़रूरत होती है, तो उसके ट्रीट करने के लिए इंसुलिन दिया जाता है। और सेकंड शिप थायराइड्स, शिप का जो थायराइड होता है, शिप मतलब मेंढी, तो उसका जो थायराइड होता है उससे हमें थायरोक्सिन हार्मोन मिलता है। थायरोक्सिन ये हार्मोन है। तो ये मिलने के बाद हमें हाइपोथायरॉयडिज्म, ये जो डिसीज़ है, इससे हम क्योर कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है कॉड लीवर। तो कॉड लीवर ये है, तो हमें ये विटामिन ए और विटामिन डी को मिलने के यूज़ होता है। और ब्लड, हमें एनिमल के जो ब्लड होते हैं उससे हमें ड्रग मिलती है। तो कौन सी ड्रग, तो हमें प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, हम इसे वैक्सीन का वैक्सीन तैयार कर सकते हैं। और थर्ड नंबर का है मिनरल सोर्सेस। मिनरल सोर्सेस मतलब हमें जो अर्थ से मिलते हैं, अर्थ से क्या क्या मिलता है, मेटालिक सोर्सेस, मिसलेनियस सोर्सेस, ये दो पार्ट इसमें दिए गए। तो हमें मेटालिक सोर्स देखना है। तो पहला क्या है, आयरन, आयरन। तो आयरन हमें कहाँ यूज़ होता है, आयरन हमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन डिफी CNC एनीमिया। तो हमें ये जो डिजीज़ है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, तो इसे हमें आयरन, आयरन से हमें इसे ट्रीट कर सकते हैं। और सेकंड है मर्क्यूरियल साल्ट। तो मर्क्यूरियल साल्ट हमें कहाँ यूज़ होता है, तो मर्क्यूरियल साल्ट हमें सीफेलिज जो डिसीज़ है उसे ट्रीट करने के लिए हमें मर्क्यूरियल साल्ट यूज़ होता है। आयोडीन, तो आयोडीन हमें एंटीसेप्टिक के लिए यूज़ होता है, एंटीसेप्टिक। और गोल्ड साल्ट, फोर्थ वाला है गोल्ड साल्ट। तो गोल्ड साल्ट हमें यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो जॉइंट में होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसके लिए हमें गोल्ड साल्ट यूज़ होता है। और उसमें सेकंड मिनरल सोर्स में सेकंड मिसलेनियस सोर्स। तो मिसलेनियस सोर्स में फर्स्ट सेलेनियम, सेलेनियम क्या है, सेलेनियम सल्फाइड, ये जो सब्सटेंस और ये जो ये है मिनरल है, तो हमें इसे एंटी डैंड्रफ
एंटी डैंड्रफ में यूज़ हो सकता है, एंटी एंटी डैंड्रफ मतलब शैम्पूज यूज़ करते हैं हम डेली लाइफ में, शैम्पूज उसमें यूज़ होता है। तो ये हुआ सेलेनियम। अब बात करते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमें प्रिपरेशन ऑफ पैराफिन जो लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं, लिक्विड पैराफिन, उसमें हमें पेट्रोलियम यूज़ होता है। तो ये हुआ मिसलेनियस सोर्स। तो दोस्तों फोर्थ वाला है किसका, सोर्सेस ऑफ ड्रग, माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स। तो माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स मतलब ड्रग विच आर ऑप्टेन फ्रॉम सच सोर्स कॉल्ड एज एंटी माइक्रोबियल। जो माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स से जो ड्रग मिलते हैं उसे हमें एंटी माइक्रोबियल कहते हैं। तो एग्जांपल दिए गए पेनिसिलिन, पेनिसिलिन हमें पेनिसिलियम नोटेटम ये जो है इससे हमें पेनिसिलियम मिलता है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन हमें कहाँ से मिलता है, एक्टिनोबैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का टाइप है तो इससे हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के तरफ, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को शॉर्ट में ROA कहते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आपको ड्रग कैसे लेनी है, कौन से रूट से लेनी है। तो ये इधर फुल डिटेल में दिया है। तो इसके तीन पार्ट हैं, तीन तरीके से आप इसे ले सकते हैं, इंटरनल, पैरेंटल और टॉपिकल। तो सबसे पहले इंटरनल, इंटरनल मतलब बाहर से ले सकते हैं। तो बाहर से कैसे, तो इसमें फर्स्ट है ओरल, बकल, सबलिंगल और रेक्टम। तो ओरल की बात करते हैं तो ओरल मतलब आपको ड्रग माउथ से सॉलविंग करना पड़ता है, मतलब माउथ से लेनी पड़ती है। और बकल, बकल मतलब जो बकल कैविटी होती है, ये दांत और ये चीक का अंदर का जो हिस्सा होता है उधर बकल कैविटी होती है, उधर से लेनी पड़ती है। तो इसे बकल कहते हैं और इसे ओरल कहते हैं। सबलिंगल, सबलिंगल मतलब जीभ होती है उससे नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसमें रख दिया जाता है तो उसे सबलिंगल कहते हैं। और रेक्टम, रेक्टम मतलब कि जो अनकॉन्शियस और चिल्ड्रंस होते हैं उनको ओरल रूट से वोमिटिंग और नाउसिया होता है। तो ये जो रूट है तो इसमें रेक्टम में दिया जाता है मेडिसिन तो उसे वोमिटिंग और नाउसिया नहीं होता। तो ये हुआ रेक्टम। और बात करते हैं पैरेंटल, पैरेंटल आपको पता होगा इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राओशियस, इंट्रासाइनोवियल और इंट्रा पेरिटोनियल। तो ये पैरेंटल के हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रावस्कुलर, इंट्रावस्कुलर मतलब कि इंजेक्शन, IV बोलते हैं उसको, इंजेक्शन। तो इंट्रावस्कुलर में जो इंजेक्शन देते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है, उसको मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में ब्लड के थ्रू और जाता है और जो जिधर डिजीज है उस रिसेप्टर को ज्वाइन होकर क्योर करता है। इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर मतलब अपने हाथ पे जो इंजेक्शन लेते हैं उसको इंट्रामस्कुलर कहते हैं। तो ये भी वैसा ही होता है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है। इंट्राओशियस, इंट्राओशियस मतलब कि जो इंजेक्शन होता है वो बोन्स में दिया जाता है, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस इन टू बोन में दिया जाता है, इसे इंट्राओशियस कहते हैं। और इंट्रासाइनोवियल, इंट्रासाइनोवियल मतलब जो जॉइंट होते हैं, जैसे कि इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हुआ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो इधर जो मिडल जो कैविटी होती है इसमें, ये जो कैविटी है इसमें ये इंट्रासाइनोवियल दिया जाता है। इंट्रा पेरिटोनियल, इंट्रा पेरिटोनियल मतलब जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उधर दिया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी। जो कुत्ते काटे तो जो इंजेक्शन दिया जाता है तो ये इंट्रा पेरिटोनियल मतलब एब्डोमिनल कैविटी में दिया जाता है। तो अब टॉपिकल, ये दो हो गए, हो चुके हैं दो रूट्स। अब टॉपिकल, टॉपिकल मतलब स्किन और ऐसा बाहर जो लगा लेते हैं उसको टॉपिकल कहते हैं। तो ट्रांसडर्मल, ट्रांसडर्मल मतलब अप्लाई अक्रॉस द डर्मिस, डर्मिस क्या है, स्किन के लेयर है, डर्मिस, इपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस, ये स्किन के लेयर है। तो इसके ट्रांसडर्मल मतलब अक्रॉस द डर्मस मतलब स्किन के नीचे।
और ट्रांस म्यूकोजल, ट्रांस म्यूकोजल मतलब जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन होता है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन होता है इसके नीचे दिया जाता है, तो इसे ट्रांस म्यूकोजल कहते हैं। ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक आपको पता ही होगा कि जो आई ड्रॉप होते हैं वो इसमें यूज होते हैं आई ड्रॉप से। और इंट्रा यूटेराइनल, इंट्रा यूटेराइनल मतलब जो यूटेराइनल लाइनिंग होती है, यूटेरस होता है इसकी जो लाइनिंग होती है उसमें ये इंजेक्शन दिया जाता है। वजाइनल, वजाइनल की, वजाइनल के थ्रू भी ये टॉपिकल टॉपिकल रूट है, इसे हम दिया जा सकता है। तो मैंने पीछे बताया था कि मैं आपको बताने वाला था कि फर्स्ट पास में, फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, जो मेटाबॉलिज्म था फार्माकोकाइनेटिक में, उसमें मेटाबॉलिज्म में फर्स्ट पास इफेक्ट था। तो फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है तो ये जानते हैं। फर्स्ट पास इफेक्ट है कि ड्रग, ड्रग लेने के बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में आती है, और ट्रैक में आने के बाद लीवर है, लीवर, लीवर क्या करता है, लीवर का जो, लीवर का जो पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन उसे एब्जॉर्ब करती है, और लीवर में मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म होता है, लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है। जो मेटाबॉलिज्म सर्कुलेटरी सिस्टम में होना चाहिए वो मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, तो इसलिए इसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और लीवर में होने के बाद वो सिस्टमिक सिस्टम में जाता है, तो इसे, इसलिए इसे कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। दोस्तों आज आपने देखा कि हमने पढ़ा फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फार्माकोडायनेमिक, उससे हमें ड्रग, ड्रग क्या है, ड्रग के सोर्स क्या है, और ड्रग हमें कैसे कैसे ले सकते हैं, मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपको उसमें कुछ डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो हम आपको अगले वीडियो में, अगले वीडियो में कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो घंटे वाला बटन है उसे दबाना मत भूलिए, नहीं तो आपके पास जो अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।